नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम डॉक्टर ललित जौहरी से जुड़े हुए हैं, जानते हैं कि आखिर जो भी डेरा सच्चा सौदा के बारे में ये बैठे हुए हैं, उनसे कुछ देखा है इन्होंने और स्वास्थ्य विभाग में भी रहे हैं, तो क्या करते हैं और मतलब क्यों आज ये बोलना चाहते हैं कि मतलब जैसा भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक रूहानियत, एक जो स्पिरिचुअल लेवल पर ये क्यों जुड़ना चाहते हैं, बीइंग अ डॉक्टर इसका क्या महत्व है हमारी लाइफ में, ये बताएंगे कि ये वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं बहुत अच्छे, कोई कमी नहीं है, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है, फिर आखिर इनको क्या ज़रूरत पड़ी कि ये स्पिरिचुअल लेवल पर भी मतलब बताना चाहते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप मतलब पहले तो मैं पूछना चाहूँगी जैसे क्या कार्य करते हैं, आप डॉक्टर हैं, किस फील्ड में हैं? मैं होम्योपैथिक फील्ड में डॉक्टर हूँ और मैंने 27 सालों तक उत्तर प्रदेश सरकार में सेवाएं दी हैं और मैं जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर आसीन था और अभी लेटेस्ट ही मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। सर, आप इतने मतलब वेल एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छा, मतलब आपका स्वास्थ्य भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लोगों को देखा है कि जब वो कहीं संस्था में जाते हैं तो क्या करते हैं कि मतलब कुछ ना कुछ कमी होता है, तो आप मतलब गुरुजी को आपने देखा है कभी? जी, मैंने उनको देखा है, अनेकों बार देखा है। सफाई अभियान दिल्ली में हुआ था तब भी मैंने उन्हें देखा था। तो सर, आपने क्या मतलब महसूस किया? मैं देखिए आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब हम बचपन में बड़े होते हैं तो हमारे सबसे पहले गुरु माँ बाप ही होते हैं और धीरे धीरे जब हम लोगों को नर्सरी या केजी में, प्ले स्कूल वगैरह में धीरे धीरे पढ़ने के लिए माँ बाप डालते हैं तो साथ ही साथ वो हमको धर्मों की शिक्षा भी देना शुरू करते हैं जिस भी धर्म में हम पैदा होते हैं। उन्हीं धर्मों की शिक्षा में यदि हम दो ग्रंथों की बात करें जो लगभग लगभग हिंदू धर्म में सभी घरों में होते हैं, वो है एक रामचरितमानस और एक श्रीमद् भागवत गीता। उसको यदि हम देखें तो उसमें भी बालकांड में ही, शुरू में ही ये बात आती है कि बिना गुरु के आप धर्म के पथ पर आगे अग्रसित नहीं हो सके। तो मैं जहाँ तक ये मानता हूँ, मेरा ये अपना फर्म बिलीफ है कि बिना गुरु के आप धर्म की राह पर चल ही नहीं सकते। तो मतलब सर, आप पहले संत जी से मतलब कभी आप गए थे, पहले गए थे या फिर संत जी जब से समाज में नहीं है तब वहाँ पर आपने जाना शुरू किया? क्या बताऊँ मैं कि मैं उनको जानता तो बहुत दिनों से हूँ, सालों से कह सकते हैं, लेकिन क्या है कि एक आपने देखा होगा कि मीडिया में बीच बीच में उनका बारे में कुछ ना कुछ बातें अनर्गल आ जाती थी, फिर धीरे धीरे उनकी पिक्चर्स आईं। जब उनकी पिक्चर्स आईं तो और उनके जो 32-33 जहाँ तक मैंने YouTube पर देखा कि उनके उन्होंने सफाई महाअभियान भी किए जिसमें उनके लाखों जो सेवादार थे वो उसमें पूरी तन्मयता से लगे, जबकि उनमें कोई उन्हें ऐसा अनुभव नहीं था कि भाई उन्हें सफाई करनी है। उसमें यह तक पता चला कि इंजीनियर और डॉक्टर्स भी शामिल थे और लोग बाहर बाहर से 1,000 किलोमीटर से भी जाते थे। ये सब चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपील कर रही थी तो मैं उनको लगातार फॉलो कर रहा था। तो जैसे ही उनकी पिक्चर आई तो पिक्चर के आने पर भी बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई मीडिया में कि भाई ये संतों का आखिर पिक्चरों से क्या लेना देना। तो उनके इंटरव्यू मैंने पढ़े तो उसमें संत जी ने बताया कि ऐसा कभी किसी, हमने सभी धर्मों को पढ़ा, उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा कि संत महात्मा जो है किसी खास मोड में ही रहते हों या वो उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो पिक्चर तो एक हमारे हिसाब से माध्यम है, इसलिए हम पिक्चरों में आ रहे हैं। तो फिर मैंने उनकी सभी पिक्चरें देखी हैं और उन सबको देख के मैं जिस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संत जी जो हैं वो आज के युग में यदि हम देखें तो मेरे ख्याल से वो एक रियल सेंट हैं। और यदि कहीं कोई भ्रांति हुई है जहाँ तक ट्रायल हुआ है उनका और वो कुछ हुआ है, तो यहाँ पर आप साइमल्टेनियसली आज देखें मैं ऐसे पद पर रहा हूँ कि रोज़ ही लगभग लगभग 10 से 15 मीडिया पर्सनल्स मेरे पास आते थे, वो मेरे इंटरव्यू लेते थे, मेरे चैम्बर में जब मैं अपने काम में बिज़ी होता था तो वो कुछ देर मेरा वेट भी करते थे, उस वेट के दौरान वो अपनी चर्चाएं भी करते थे और उन्होंने मुझे अपने पोर्टल से जोड़ भी रखा था। कई बार मैं लाइव सेशंस में भी गया हूँ। वहाँ जब मैं देखता था तो ये समझ में नहीं आता था कि सच क्या है और झूठ क्या है। इस तरह से लोग जो है
सच को झूठ का जामा पहनाने की कोशिश करते हैं या कई बार झूठ को सच का जामा पहनाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे ऐसे आर्गुमेंट जिनको वेरीफाई भी कर लिया जाता है डिफरेंट तरीकों से, जैसे फोटोशॉप कर लिया जाता है चीज़ों को, वीडियो को भी मॉर्फ कर लिया जाता है, और लोगों को ये लगने लगता है कि झूठ ही सच है, और कई बार सच भी झूठ के तराजू में तुल जाता है। तो ये सब चीज़ें जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि ये उनके संग कहीं कुछ इस तरह का भी है, जो मैं यही कहूँगा कि सरकार को लोअर कोर्ट से उनको हुआ है ये सारा कुछ, अभी तक जो डेवलपमेंट है फिलहाल उनको जो सजा ये दो केसों में मैंने देखा कि हुई, मैं सरकार से ये अपील करूँगा कि उनकी जो हायर ट्रायल्स हैं होती हैं हमारे यहाँ जो प्रोविजंस हैं उसको एक तो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें, डिले ना हो उनके केस में। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड से उन्होंने तेज़ी से पिक्चरें बनाई, पिक्चर के दौरान भी कई फॉलोअप्स मैंने देखे कि 80,000 लोगों ने आके उनके कॉन्ग्रीगेशन में आए और उनसे कहते हैं कि उन्होंने बताया गया कि हम तो आपकी मूवी देख के इंस्पायर हुए हैं। तो ये सब चीज़ें यदि कहीं थीं तो उनके संग जो कुछ भी हुआ है उसको बहुत जल्दी से किया जाए, और वो दूध का दूध पानी का पानी तो अवश्य होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनमें कहीं कोई कमी है। सर मतलब बींग अ डॉक्टर आपको क्यों फील हुआ कि मतलब एक स्पिरिचुअल लेवल पे, क्योंकि संत जी जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी के लिए ही माने जाते हैं, तो क्या कारण रहा जो आप उनकी तरफ आकर्षित हुए और आज आपको लगता है कि संत जी समाज में आने चाहिए? बड़ी अच्छी बात पूछी है आपने। हमारा होम्योपैथिक में एक सिद्धांत है कि जब किसी शरीर में कोई रोग अपना आक्रमण करता है तो हमारी जीवनी शक्ति जिसको वाइटल फोर्स भी कहते हैं सबसे पहले वो डिरेंज होती है, वो उस पर आकर आक्रमण करता है, और जिस समय वो वाइटल फोर्स पे आके आक्रमण करता है उस समय हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि हम उस रोग से ग्रसित हो गए हैं, और उसके तुरंत बाद ही हमारे शरीर पे उसका असर आना शुरू हो जाता है और वो कुछ लक्षण हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं जिनके उन लक्षणों के आने पर हम उस डॉक्टर को अप्रोच करते हैं। तो वही जो जीवनी शक्ति जो बिल्कुल अदृश्य है वो उस ईश्वर की देन है, वो हमारे शरीर को संचालित करती है, उसको आज भी डॉक्टर्स नहीं समझ पाए कि वो ऐसी क्या है। और मैंने अपना होम्योपैथिक में देखा कि होम्योपैथिक मेडिसिन भी सीधे ही बहुत कम मात्रा में दी जाती हैं, और वो करती क्या है, हमारे पास पूरा लिटरेचर है उसका, यदि कोई जानना चाहे तो देख सकते हैं ऑर्गेनॉन ऑफ होम्योपैथी, यदि आप देखें तो उसमें है कि हमारी दवाइयाँ सीधे उस जीवनी शक्ति को इंस्टिगेट करती हैं, उसको क्योर करने की कोशिश करती हैं, और जो लक्षण बॉडी में पैदा होते हैं वो शने शने अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर शरीर को एक शक्ति चला रही है, और शायद संत महात्मा उसी शक्ति को स्टिमुलेट करने के लिए इस संसार में आते हैं, और ये जो गुरुमंत्र, नाम, शब्द, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, ये जो सारे शब्द हैं संसार में, ये इंसान को उस तरह से हेल्प करते हैं ताकि वो अपनी उस वाइटल फोर्स को प्रज्वलित कर ले या उसको एक्टिवेट कर ले और किसी तरह से उस सुप्रीम पावर में जाके मिल जाए जिस जहाँ कहीं से ये छोटी वाइटल फोर्स को लेकर ये शरीर हमारा इस धरती पर आया है। ये मेरा साइंस की दृष्टि से ऐसा मानना है। तो सर आप मतलब संत जी से मिलना चाहेंगे अगर संत जी समाज में आते हैं तो? मैं तुरंत मिलूँगा, विद इन नो टाइम। मैं इतना ज़्यादा ईगर हो गया हूँ अब इन 4.5 सालों में, तो मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया है सोशल मीडिया पर, उनके पुराने यूट्यूब वीडियोज़ हैं जो 2000 का भी मैंने देखा, 2005 देखा, 2004 देखा, और एक मैंने एक चीज़ और नोट की, जो संत महात्मा होते हैं वो कम से कम 10 और 15 साल आगे के लिए लोगों को आगाह करना शुरू करते हैं। मैंने उनका 2000 के आसपास के कुछ वीडियोज़ देखे, कुछ क्लिपिंग्स देखी, पूरा सत्संग तो मैं नहीं सुना, उसमें मैंने देखा कि उन्होंने बेटी बचाओ के लिए बहुत ज़्यादा लानत भेजी है संत मत के द्वारा कि आप कैसी माँ हैं जो आप अपनी ही बच्ची को अपने पेट में पता करा के कि मेरी बेटी आ गई है और आप उसको ख़त्म करा रहे हैं। उन्होंने ये भी लानत भेजी है अपने सत्संगों के द्वारा अपने पिता पुरुष को कि आप कैसे पिता हैं जो उसको मरवा रहे हैं पेट में। तो मैं देखता हूँ उसका इम्पैक्ट आज हमारी सरकारें इसको एक अभियान के तौर पर चला रही हैं। यदि काश हम संतों को आज से 21 साल पहले से ही फॉलो कर रहे होते तो शायद ये जो इम्बैलेंस है हमारा स्त्री पुरुष का अनुपात, ये शायद बहुत पहले से ही दूर हो गया होता। और दूसरा मैंने देखा उनका एक विशेष वो महिलाओं के बारे में कि उन्होंने हमेशा महिला को सबल बनाने की बात अपने उसमें की है कि आप यदि दोनों हैं तो आप अर्धांगिनी को कहा गया है हिंदू धर्म में कि हम
दोनों एक, मैंने उनका एक स्लोगन भी देखा था ट्विटर पे था कहीं कि हम दोनों एक, हमारा एक ही काफ़ी, वरना दो के बाद माफ़ी। ये उनका तो बहुत पुराना चला आ रहा है। आज हमारी सरकार अभी भी हम दो हमारे दो पर है, उन्होंने तो एक का नारा दिया, और एक में भी उन्होंने ये कहा हुआ है कि यदि वो बेटी हो जाए तो उसको आपको बेटे की तरह ही परवरिश करना है, कोई भी उनमें आपस में भेद नहीं रखना है, और ये नहीं सोचना है कि हमारे कोई बेटा नहीं हुआ। तो इस तरह से वो जो जेंडर की जो हमारे यहाँ डिफरेंसेस थे समाज में, वो तो उन्होंने सदियों से दूर करते चले आ रहे हैं। तो गजब का मैंने उनका देखा डिस्कोर्स से, और आज मैं इतना ज़्यादा एंग्शियस हूँ कि जैसे ही वो इस समाज में जब आएंगे, और वो मेरा ये अपना बिलीफ है कि वो 100% ही कहा जाता है, उससे ज़्यादा कह नहीं सकते, तो वो 100% समाज में बेदाग पाक साफ आएंगे, और लोग उनको पहले से करोड़ों गुना ज़्यादा हाथों हाथ लेंगे। अच्छा सर, आप उनके फॉलोवर्स से मतलब मिले हैं आप? मिला, यस यू आर राइट। जब मैं कह रहा हूँ कि आपको 4.5 साल में मैंने, आज मेरा यहाँ आने का उद्देश्य है जो आज आपसे भेंट हुई है, मैं आज उन्हीं के फॉलोअर से ही मिलने आया था जो आपसे भी आज बात हो रही है इत्तेफाक से। तो मैं इन 4.5 सालों में उनके फॉलोअर से भी मिला हूँ, वो इतना ज़बरदस्त आज उनका फेथ है कि आप यदि उनसे भी मिल लें ना, तो आप ये सोच नहीं सकते कि किसी के 4.5 साल बाद किसी का वही फर्म बिलीफ जैसा पहले था, ये हो ही नहीं सकता। लोग भी कहते हैं कि यदि किसी को कुछ हो जाए तो धीरे धीरे इंसान को समाज में देखते देखते ऐसा लगने लगता कहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा ही हो गया हो, तो लोग बिलीव करना शुरू करते हैं। वो गजब का उनका दृढ़ विश्वास है, और दृढ़ विश्वास कोई आंखें बंद करके नहीं किया जाता। मैं नहीं समझता कि ये अंधविश्वास है, मैं उनको बहुत अच्छे से देख चुका हूँ। जिस तरह से वो संत जी ने 135 मानवता के भलाई के कार्य चलाए हुए हैं, वो थ्रू आउट द ईयर उनके जो सेवादार हैं वो उसको पूरी शिद्दत से करते हैं, तो ये ऐसा कोई अंधविश्वास में लोग नहीं कर सकते। सर, आपने कुछ उनको देख के मतलब जैसे भी उनको अट्रैक्ट होकर उनकी तरफ आपने कुछ किया ऐसा कार्य? मैं तो आपको बताऊं कि अपना पूरा मेरा ग्राउंड लेवल पूरा तैयार हो चुका है। मैं अगस्त माह में उनसे पूछ लेता हूँ कि वो किस दिन पौधे लगाने हैं, तो मैं पौधे भी लगाता हूँ। मैं अब रूटीन में 3-3 महीने पर ब्लड भी डोनेट करना मैंने शुरू कर दिया है। मुझे सारी चीज़ें बहुत ही कहने सुनने से परे लगती है, और मुझे एक अजीब सी खुशी उन सब चीज़ों से आने लगी है। मैंने अपनी आंखें भी दान कर दी हैं। एक डेरा सच्चा सौदा वेबसाइट पर फॉर्म्स भरे हैं, वहाँ से मैंने फॉर्म्स डाउनलोड करके मैंने अपना शरीर भी दान कर दिया है, और मैंने अपना एक गुर्दा भी दान कर दिया है, और मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है इन सब कामों को। तो सर, मतलब आफ्टर डेथ आपका कुछ भी मतलब बॉडी पार्ट जैसे दाह संस्कार कहते हैं वो जलाया नहीं जाएगा, मगर लोगों में मिथ है कि मतलब आपको भी पता होगा किस तरीके का है, तो क्या कहना चाहिए? शरीर विज्ञान के नाते भी हमें सारा कुछ पता है। लोगों में बड़ा गलत मिथ है कि यदि आँखें दान कर देंगे तो अगले जन्म में हम अंधे होंगे, जबकि इस तरह का कुछ नहीं है जहाँ तक शरीर विज्ञान कहता है। और आँखें एक ऐसा तत्व है बॉडी का जिसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमारा तो वो यदि हम हिंदू हैं तो वो जला दिया जाएगा, और मुस्लिम हैं तो दफना दिया जाएगा, और वो उसमें जाके वो प्रेशियस चीज़ जो यहाँ से लेके और कैलिफोर्निया तक कहीं भी किसी भी कीमत पर खरीदी नहीं जा सकती, वो यदि आप हैं और मरने के बाद किसी दो व्यक्तियों को वो आँखें लगती हैं तो कितना पावन और पवित्र कार्य है ये। तो ये तो मैं कहूँगा ये बहुत ज़बरदस्त मिथ है समाज में, और बीइंग अ डॉक्टर मैं ये आपके उस चैनल से ये कहना चाहूँगा जल्दी से जल्दी इसको अंधविश्वास को दूर करें, और सभी लोग अपनी आँखें, और मरने के बाद शरीर दान का क्या लॉजिक है? आप देख रहे हैं कि आजकल तरह तरह की बीमारियाँ वायरसेस आ रहे हैं, जिसके लिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको आगे खोज करनी है, ताकि वो मानवता के लिए अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा करें ताकि आने वाले समय में कोई क्राइसिस ना हो। तो उसके लिए उनको ह्यूमन बॉडी चाहिए, ताकि वो उसको खोलें, उसको और समझें, क्योंकि ये साइंस हमारा मान चुका है कि अभी तक वैज्ञानिक लोग इस शरीर को 5-10% ही पढ़ चुके हैं मात्र, जबकि ये अभी 90% अनसुलझा है। तो जब तक उनको वो शरीर नहीं मिले, अभी तक आपने देखा होगा कि जो भी शोध होते हैं वो पशुओं के शरीरों पे होते हैं, कभी चूहे पे होता है, कभी बकरी पे होता है, लेकिन यदि उनको मरणोपरांत ह्यूमन शरीर मिल जाएगा तो वो शायद इसमें और ज़्यादा बेहतरी से कार्य कर पाएंगे, और जो आने वाले समय में मानवता के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। तो यदि मैं तो चाहूँगा कि सब लोग अपना शरीर भी दान करें यथायोग्य, जैसा जिसकी भावना है। सर, आपने कहा कि आपने जो भी दान किया था वो डेरा सच्चा सौदा की जो साइट पे फॉर्म फिल किया था, तो मतलब गुरु जी ने संत जी ने ये जो कार्य चलाया है तो मतलब किसी और को अगले को वो फ्री में मतलब दी जाएंगी अगर ज़रूरतमंद है कोई?
जी बिल्कुल, ये मैंने पता करा आंखें मेरे एक, मैंने एक को मोटिवेट किया था कि भाई उनको कहीं आंखों में कह रहे थे कि वो हमारा बड़ा वेटिंग है, तो मैंने कहा नहीं आप डेरा सच्चा सौदा अप्रोच करिए, वहाँ वेटिंग नहीं है, वहाँ का जो आई बैंक है वहाँ कोई वेटिंग नहीं है, तो वहाँ आपको और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो वो उनका सक्सेसफुली हुआ और कोई चार्जेस नहीं लिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं बींग अ डॉक्टर इन्होंने जो सारे मिथ थे वो क्लियर किए डेरा सच्चा सौदा के लिए, और क्या कारण था कि ये जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़े अट्रैक्ट हुए, वहाँ के फॉलोअर से मिले, और काफ़ी जो कर रहे हैं वो समाज भलाई के कर रहे हैं, डॉक्टर होने के बावजूद ये वक्त निकाल रहे हैं इतना बिजी शेड्यूल में से। तो बहुत बड़ी बात है अगर आज लोग ऐसे ही अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाले तो शायद कोई ही ज़रूरतमंद रह जाएगा जो ज़रूरत के जिसकी ज़रूरतें पूरी ना हो, और हमारा जो देश है वो भी तरक्की करेगा। हालांकि कर रहा है मगर संत जी की कमी खल रही है, जितना वो नशा छुड़वा सकते थे, जितना मोटिवेशन वो कर सकते थे उतना अभी कोई नहीं कर पा रहा है, तो समाज को ज़रूरत है। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।